हम सब लोग रोज कोई ना कोई सफर तय करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि कोई ऐसा सफर जहां पर आपने आपकी गाड़ी रोकी और आपकी दुनिया ही बदल गई? सोचिए। वैसे तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अगर किसी ने भूत प्रेत आत्माओं जैसे नाम भी लिए तो हम उनका मजाक उड़ाते हैं और उन पर भरोसा नहीं करते। और ये भी सही है ना कि कोई भी चीज जब तक खुद पर ना बीतती हो तब तक कोई भी इंसान उन चीजों पर भरोसा नहीं करता। मैं भी उन लोगों में से था कि जो भूत प्रेत आत्माओं की कहानियों को सिर्फ और सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियां ही समझता था। लेकिन एक ऐसे ही हादसे ने मेरी जिंदगी पलट कर रख दी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था लेकिन मैं कुछ ना कर सका। हमारी शादी होकर एक महीना बीत चुका था। श्रुति और हम दोनों हनीमून पर जा रहे थे। हम बहुत खुश थे, पर कभी ये नहीं सोचा था कि ये खुशी बस कुछ ही पल की मेहमान है। उस रात शहर में ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण मैंने हाईवे से शॉर्टकट ले ली और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब इससे क्या हुआ यार? क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? चेक कर रहा हूँ। दक्ष, ये तुम्हारी गाड़ी भी ना। चेक कर रहा हूँ। शिट डार्लिंग, वेट अ मिनट, आई विल चेक इट आउट। ओके रुको, मैं भी आती हूँ। रुको, कम ऑन। क्या हुआ दक्ष, तुमको बोला था ना मैंने सर्विसिंग कराओ। श्रुति, 4 दिन पहले मैंने सर्विसिंग कराई थी, ठीक है? तो देखो आप, मुझे मत बोलो। तो मैं ही देख रहा हूँ यार। दक्ष, हाँ, क्या देखूँ? हाँ, चीज़। वन मिनट, मैं आ रहा हूँ। वेट। वैसे श्रुति, हाँ, ये गाड़ी ना आज तुम्हारे से भी ज्यादा हॉट लग रही है। तुम भी ना दक्ष। हाँ। काम पे ध्यान दो। ये हॉर्न बजा कैसे? दक्ष, आई एम स्केर्ड। पहले सड़क पर कोई नहीं हो, तुम ऐसे मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, ये हॉर्न मैंने नहीं बजाया। फिर किसने बजाया? आओ देखते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। दक्ष, यहाँ से जल्दी निकलते हैं ना, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम करो, चलो तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं देखता हूँ। जाओ बैठो अंदर। दक्ष, हाँ, एक बार अंदर आके स्टार्ट करके देखो ना, शायद चालू हो जाए। वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। दक्ष, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दो, चल आगे कहीं पे भी छोड़ देना, बस यहाँ से ले चलो, प्लीज मुझे बचा लो दक्ष। वैसे कौन मारना चाहता है आपको? दक्ष,
दक्ष, पहले उसे अंदर आने दो ना, फिर बात करते हैं। लेकिन श्रुति, आप अंदर आइए फिर बात करते हैं। से लिफ्ट मांगते वक्त दक्ष का नाम कैसे लिया? वैसे इतनी रात गए आप यहां? कौन माना चाहता है आपको? जरा पीछे देखना, शायद वो घबराहट के कारण बेहोश तो नहीं हो गए। दक्ष? हाँ? पीछे तो कोई भी नहीं है। What? एक बार फिर से देखो। दक्ष, सच में पीछे कोई भी नहीं है। क्या हो रहा है हमारे साथ? दक्ष प्लीज गाड़ी रोको, मुझे बहुत डर लग रहा है। श्रुति, यहाँ गाड़ी रोकना मुनासिब नहीं होगा। दक्ष गाड़ी रोको प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। श्रुति, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी यार, हम लोग हाईवे पे जाके गाड़ी रोकते हैं। तुमने सुना दक्ष? हाँ। दक्ष प्लीज गाड़ी रोको, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज स्टॉप द कार। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, रोकता हूँ रोकता हूँ। ताज्जुब तो इस बात का था कि हम गाड़ी में बैठे जरूर और गाड़ी चली भी, लेकिन बाहर निकलने के बाद में हमें पता चला गाड़ी वहीं पर थी, एक इंच भी आगे नहीं हिली। उस रात वो लड़की कार में बैठने के बाद अचानक से गायब हो गई। मैं समझ गया था कि हमारे साथ कुछ अजीब हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। वो लड़की अचानक से गायब हो जाना और कार में डरावनी आवाज आना, उसकी वजह से श्रुति बहुत डर चुकी थी, लेकिन मैं उसके डर को और नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने उसके हाँ में हाँ मिला ली और सोच लिया कि अब हमें घर वापस जाना चाहिए, और मैंने गाड़ी घर की ओर टर्न कर ली और हम वहाँ से निकल पड़े।